हेलो स्टूडेंट्स, टेली प्राइम 4.0 की यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेली प्राइम 4.0 में सेल वाउचर को जब हम पीडीएफ में एक्सपोर्ट करते हैं तो उसी एक्सपोर्ट से रिलेटेड टेली प्राइम 4.0 में जो एक नया अपडेट आया उसके बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी तक हमने टेली प्राइम 4.0 के अलावा जितने भी रिलीज हमने यूज किए उस रिलीज के अंदर जब हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में से सेल वाउचर को जब हम एक्सपोर्ट करते थे तो पर्टिकुलर हमारा एक नाम से पीडीएफ एक्सपोर्ट होती थी, लेकिन बार बार हमें और इनवॉइस अगर हमें पीडीएफ जनरेट करना पड़े तो हमें सबसे पहले जो ऑलरेडी इनवॉइस हमारा एक्सपोर्ट हो चुका था उसको हमें रीनेम करना पड़ता था, अदरवाइज हमारा डाटा जो ओवरराइट हो जाता था। लेकिन अब उसी का जो प्रॉब्लम था वो उसका सोल्यूशन अब हमें टेली प्राइम 4.0 के अंदर मिल चुके हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास टेली सॉफ्टवेयर के दो रिलीज ओपन है। सबसे पहले आपको मैं इस रिलीज के बारे में बताता हूँ, अबाउट्स पर हम चलते हैं। तो ये रिलीज हमारे पास में है टेली का 2.1, और एक हमारे पास टेली ये भी ओपन है। इसकी अगर हम रिलीज की बात करें तो ये रिलीज टेली का 4.0 का है, यानी कि ये लेटेस्ट है। तो अब हम दोनों के अंदर हमारे पास कंपनी का डाटा बिल्कुल सेम है, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं हमारे जो टेली 4.0 के अलावा जो वर्जन है, आप चाहे 3.0 भी यूज करें तो उसी के अंदर भी आपको सेम यही दिक्कत आ रही होगी। अब मान लीजिए हमारे पास इसके अंदर कुछ सेल्स इनवॉइस है, मैं F2 से सारा डाटा ओपन कर लेता हूँ। अब मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल इनवॉइस है। अब इस सेल इनवॉइस को हमें एक्सेल के अंदर, पीडीएफ के अंदर, एक्सेल के अंदर या किसी भी फॉर्मेट के अंदर आपको एक्सपोर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल कंट्रोल ई प्रेस करते हैं। और जैसे हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देखोगे तो आपके सामने एक फाइल नेम आएगा भी, अकाउंटिंग वाउचर डॉट पीडीएफ के नाम से फाइल आपकी सेव होगी। ये फाइल का नाम आप रीनेम भी चेंज कर सकते हो कॉन्फिगरेशन में जाके, और ये आपका फाइल का जो फोल्डर पाथ है वो रहेगा, यानी कि ये फाइल आपकी इस लोकेशन पर सेव होगी। हमने इसको सेंड कर दिया। जैसे हम इसको सेंड करेंगे तो आप देखोगे एक ऑप्शन आपके पास यहाँ दिखाई देगा, अकाउंटिंग वाउचर पीडीएफ ओवरराइट, यानी कि इससे पहले इस अकाउंटिंग वाउचर के नाम से ऑलरेडी फाइल है जो जनरेट हुई है। हम इसको एक बार नो करते हैं और वापिस इसी लोकेशन पर हम चलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक अकाउंटिंग वाउचर के नाम से एक वाउचर है वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट पहले से किया हुआ है, ये इसका इनवॉइस है। अब मान लीजिए हम इसको एक बार यहाँ से डिलीट करते हैं, मैंने इसको यहाँ से इस लोकेशन से डिलीट कर दिया और वापस हम इसको सेंड करते हैं। तो जैसे सेंड करते हैं ये देखो ये सेंड हो चुका है और ये पीडीएफ के रूप में हमारे सामने ओपन भी हो चुका है। तो वापस हम इसको एक बार हटाते हैं और इसी लोकेशन पर हम चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हो अकाउंटिंग वाउचर पीडीएफ आ चुका है। वापस हम दूसरा इनवॉइस को एक बार एक्सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए हमने 33 नंबर इनवॉइस को यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो सेम देखोगे सेम लोकेशन पे अकाउंटिंग वाउचर के नाम से ही आपका वाउचर है जो एक्सपोर्ट होगा। जैसे हम सेंड पे क्लिक करेंगे ओवरराइट, आप यस करोगे तो यस करने के दौरान क्या होगा कि जो आपका ऑलरेडी जो इनवॉइस था 32 नंबर अब वो हट चुका है, उसके ऊपर 33 नंबर का जो इनवॉइस है वो रिप्लेस होकर आपके सामने आएगा, यानी कि पिछला हटता जाएगा नया आपके सामने एक्सपोर्ट होता रहेगा। तो अब मान लीजिए आपने अलग अलग इनवॉइस थे, अलग अलग कस्टमर थे, सभी को अलग अलग आपने मेल करनी है, व्हाट्सअप करना है, तो आपके सामने काफी सारी दिक्कत होगी। यह तो आप सबसे पहले इनको रीनेम करो, मान लीजिए आप इसको दूसरा एक और एक्सपोर्ट करोगे तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ इसको रीनेम वगैरह कुछ करना पड़ेगा, तब आप दूसरा वाउचर इसके अंदर एक्सपोर्ट करोगे। लेकिन अब ये समस्या आपके सामने टेली प्राइम 4.0 में नहीं है। वापिस हम टेली 4.0 का ये रिलीज मेरे पास ओपन है, हम वापस सेल वाउचर पे चलते हैं। अब मान लीजिए ये मेरे पास 32 नंबर इनवॉइस है, ओपन करूंगा कंट्रोल ई के साथ एक्सपोर्ट करूंगा। जैसे मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे एक फाइल का नाम आ रहा है सेल्स CTC 23-24-032, यानी कि जो आपका सेल इनवॉइस का जो नंबर होगा ना उस नंबर के अकॉर्डिंग ही आपका पीडीएफ फाइल सेव करेगा। मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया तो आप देखोगे ये मेरे पास 32 नंबर इनवॉइस है जो ओपन हो चुका है और इसका नाम आप यहां से ऊपर से भी देख सकते हो। अब इसके साथ साथ मान लीजिए मेरे को
33 नंबर ये इनवॉइस भी एक्सपोर्ट करने हैं। कंट्रोल ई के साथ मैं बटन प्रेस करूंगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा, यहां से देखो 33 नंबर आ जाएगा एक्सपोर्ट। यानी कि अब आपको बार बार ओवरराइट नहीं करना पड़ेगा, नहीं ओवरराइट नहीं होगा और नहीं आपको रीनेम करना पड़ेगा। हम वापस इसके जो नया लोकेशन है इस पे चलते हैं, तो आपके सामने यहां पर ये कुछ इस तरीके से ये जो सेल इनवॉइस है ये रिकॉर्ड आपके सामने यहां पर सेव होते रहेंगे। इस तरीके से 32, 33, 34 जो भी आपका इनवॉइस नंबर रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी पीडीएफ फाइल है जो बनती रहेगी, और आपको ये पता भी चलेगा भी कितने नंबर इनवॉइस है जो एक्सपोर्ट हो चुका है। और वहां पर जो हमारे पास नाम आ रहा था इसके अंदर ये अकाउंटिंग वाउचर ही आ रहा था, यहाँ पर ये आपको इनवॉइस का नंबर नहीं पता लग रहा था भी कौन सा इनवॉइस का नंबर है जो एक्सपोर्ट हो चुका है। तो ये 4.0 के अंदर ये जो नया अपडेट है एक्सपोर्ट को लेके काफी फीचर्स मुझे बढ़िया लगा। आपको ये फीचर्स कितना बढ़िया लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी जरूर कर लेना।